कैप्टन धर्मेश का चैलेंज है तो उनसे पूछते हैं, कैप्टन धर्मेश जी आपको भालू बन के कैसा लग रहा है आज? भालू बन के और मेरे ख्याल से नॉर्थ पोल का भालू होली के टाइम पे बनारस चले गया था। एक मोनोटोनस उस चीज को तोड़ा कि जनरली इसमें लोग जाके पैर वैर छूते हैं, तुमने वो तोड़ा है वो चीज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप बिल्कुल मत करना। और राघव तेरे पैर कोई नहीं छूता कभी? यार मैं बुढ़ा नहीं हुआ ना। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। नहीं कौन है? अरे एंट्री है जाना। अरे मेरे को डर लग रहा है, बात को समझो। मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा मैं नहीं कर पाऊंगा आज। समझो मैं सोच रहा था कि कब तक मैं डायरेक्टर के नीचे एक्टिंग करता रहूंगा, मेरे विजन का क्या। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक फिल्म है, मतलब धर्मेश भाई की बायोपिक टाइप से, और फिल्म का नाम जो है वो है सुहागरात ऑफ द ईयर। सुहागरात ऑफ द ईयर। इसमें है स्टूडेंट ऑफ द ईयर वरुण धवन, जो धर्मेश ये लैंडे बने हैं। और स्त्री ऑफ द ईयर श्रद्धा कपूर जो है वो धर्मेश भाई की हॉट गर्लफ्रेंड बनी है इस फिल्म में। आप आ गए। किससे पूछ रहे हैं? तो ये आप स्टेज पे आ जाइए, क्योंकि स्टेज तो आप पे आ नहीं पाएगा, तो प्लीज। क्या बात है, बहुत बड़ी गहराई दी है ये बात पे। हाँ। वाह। तो क्या है सीन कि आप वरुण भाई और श्रद्धा आप दोनों आप यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं प्यार से, आप वहां से चलते भी आ रही हैं प्यार से आप दोनों हक करेंगे। हक करते ही मैं कैमरे के आगे दो फूल लगा लूंगा, लोगों को लगेगा काम हो गया। ओके। लोग समझ जाएंगे। लाइटमैन पुनीत पाठक, आर यू रेडी? यस सर, यस सर, यस। ऑलराइट। कैमरामैन रेमोटी सुधा सर, आर यू रेडी? रेडी। ऑलराइट, रेडी है सब एक्टर्स। ओके, साइलेंस ऑन द सेट, साइलेंस ऑन द सेट। थैंक यू। कोई कुछ बोलेगा क्या? हो रहा है देखो, एक्सक्यूज मी। या एक्सक्यूज। आपका नाम टिक है? नहीं। तो आप टोक क्यों रहे हो? चला चांद में जाके तो चंद्रयान का भी संपर्क टूट गया था धरती से, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। एक्शन। नहीं, कट 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 कट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कट कट कट। ओके, जैसे कि आपकी उम्र हो गई है, हाँ, तो आप दौड़ के जाओगे तो सुहागरात से पहले ही थक जाओगे। हाँ, है ना? एक मिनट, मैं इसको लिख लेती हूँ। हाँ, ये लिख लीजिए। बताइए क्या है? मेरा ओरिजिनल है। हाँ, हाँ जी, 9 4 5 6 7।
तो मैं चलता हूँ। आप चलिए, मेरा एक बकेट लिस्ट है। हाँ, वही मैं पूछने वाली। बकेट लिस्ट ये थी कि आज जब रेमो सर बोले कि कैप्टन्स आर यू रेडी, ऑडियंस आर यू रेडी, रेडी साहब आर यू रेडी, करेक्ट अपने अंदर का मर्द निकालो बाहर, शेर की तरह आओ, शेर की तरह आओ, मर्द निकालो अपने अंदर, कम ऑन, यस डन। और सुनो श्रद्धा, श्रद्धा तुम्हारे तुम्हारा ना अब आइस बाहर आ रहा है। क्या आइस? मतलब धर्मेश भाई का एक आइस, मतलब तुम आंख मारोगे उन्हें जब चलोगी। ऑलराइट, यू आर डूइंग इट वेरी वेल, आई लाइक इट, गुड। तो तब आप मुझसे पूछिए कि राघव आर यू रेडी, बस। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं बदला नहीं लेता, आई एम नॉट, आई एम वेरी पीसफुल, I'm a very peaceful guy. आपने मुझे flowers दिया बस। Yes, flowers. मैं बहुत खुश। I believe in peace. चलो शुरू करें। Action. Chop. नहीं नहीं. Chop. चाप, जाओ पास, जाओ पास, जाओ पास, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर, चाप, चाप, कट 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 कट, नहीं कट। कैप्टन्स आर यू रेडी? यस सर। आर्टिस्ट आर यू रेडी? ऑडियंस आर यू रेडी? राघव, आर यू रेडी? आई थिंक आप कमर्शियल सिनेमा करते हैं, बट आई मेक पैरेलल सिनेमा। सॉरी सर, तो थोड़ा रियलिस्टिक चाहिए आपको। सच्चाई, मैंने आपको क्या बोला था कि मैं बुढ़ा हूँ? नहीं, एक उसके बाद क्या बोला था? शेर, शेर की तरह चल के। हाँ। शेर दो पैरों पे, नहीं चारों पैर पे। सॉरी, करेक्ट। आपको यहाँ से पहले तो बैठना है। Let the power of plus begin. उठ जा, हो गया हो गया हो गया। अरे मुझे चलो let's go. जब तू जाता है रात को, धर्मेश भाई ऐसे बैठे होते हैं। वो हर चीज ट्राई करते हैं। और वो चीता के सूट पहन, मतलब वो सूट पैंट पहनते हैं चीता का, नाइट सूट। चीता का अंडा है, वैसे अंडा पहनते हैं। ओहो हो 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 हो। आगे बढ़े। यस सर, माय गॉड, डीप नेक का। डीप नेक। और अभी चल के कैसे जाएंगे? कॉपी 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 कॉपी। अभी चल के कैसे जाएंगे सर? इसका नाम डीप है, डीप नेक है, या ये जिसने जो पहना है डीप नेक? डीप नेक पहना है ना आज, ये डीप नेक है। इसको डीप नेक बोलते हैं सर, काफी डीप है नेक। पिंगा तो पूरी। ये शेर है या कुत्ता? तो आपको शेर की तरह जाना है। देखो, देखो। दीपिका कुछ टिप दो कि धर्मेश भाई शादी नहीं कर रहे हैं हमारे, मतलब काफी उम्र हो गई है, इधर भी दर्द होने लगता है उनके जोड़ों में आजकल, मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराया, चश्मा पहन के आए, तो काफी कुछ हो रहा है। कुछ बताओ कि ये शादी करके लाइफ बहुत अच्छी रहती है, रेमो सर को देखो, और इंसान आगे ही बढ़ता है। शाहरुख खान, रेमो सर, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, माय गॉड। राघव, डायरेक्टर की मैंने सुन ली, अभी मैं कैसे करता हूं, मैं वो आपको दिखाता हूं। ओके, ठीक है। देखिए, मैं पहले जाता हूँ, सीधा चल के जाता हूँ, ठीक है। और मैं खाली एक चीज पूछता हूँ, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू आस्क अ लेडी, दैट मे आई? यस यू मे। तू कर लेना एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम क्या जानो,
धर्मेश बाबू। ओए होए 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 होए। ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। सुहागन का सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। नहीं, मेरा सीन रह गया। मेरा सीन रह गया, खत्म भाई। तू भी रह गया और तू भी रह गया। रहने दे बस। हर धर्मेश का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। मेरी बकेट लिस्ट में एक चीज और है। क्या है? मेरे को माना है कि मैं दीपिका पादुकोण का मुंह मीठा करूं। मैं मिठाई लाया भी हूं। मिठाई नहीं, मैं स्पेशली गया था दुकान में, तो मुझे लगा आप साउथ इंडियन हो तो आपको मैसूर पाक पसंद आएगा। लेकिन मुझे लगा कि आप गुलाब जैसी सुंदर है तो आपको गुलाब जामुन भी पसंद आ सकता है। इतनी बार बोला, इतनी पिया करो, इतनी झेली जाए, गिर पड़ रहे थे यहाँ पर स्टेज पे। और ये क्या बदतमीजी है, मेरी मेकअप करूंगा ये सब। कोई नहीं, आ जाए। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मैसूर पाक लाऊं कि गुलाब जामुन लाऊं कि मैसूर पाक। अरे तो स्टेप हो गया मैं। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि मैं तेरे को थप्पड़ मारूं या लात मारूं। आपके मम्मी है ना यहाँ शो पे? बस पूछ रही हूँ। हाँ तो बात चलाऊं? सर सर थप्पड़ या लात? गलत बात है ये। ए, ये देखे जा। आप खा पाएंगे? मैं खिलाऊं? हाँ, हाँ, मैं खुद खा लूं।